मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। टेक्निकल गुरु इंजेक्शन मोल्डिंग में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ दोस्तों सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर सबको। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोर सेटिंग के ऊपर। दोस्तों काफ़ी लोगों का डिमांड था दोस्तों कि फेरोमेटिक मिलाक्रान का जो मशीन है दोस्तों उसका जो कोर सेटिंग का जो फंक्शन है दोस्तों उसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं कोर सेटिंग के ऊपर वीडियो। वीडियो में अच्छे से बने रहिए दोस्तों, लास्ट तक देखिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कोर सेटिंग दिया गया है दोस्तों, कोर वन कोर टू। हमारे मशीन में दोस्तों दो कोर का प्रोविजन दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें सीक्वेंस देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्लैंप पोजिशन, स्पीड, प्रेशर, डिले टाइम और टाइमर्स, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जब ऊपर सबसे देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे सेट दिया है, यहाँ पे पुल दिया है, ठीक है। यहाँ पे सेट दिया है, यहाँ पे पुल दिया है, नीचे दिखाया दोस्तों सीक्वेंस दिया है ए और बी, ठीक है। तो सेट मतलब होता है दोस्तों कोर इन, और पुल मतलब होता है कोर आउट, ठीक है। तो यहाँ पे कोर इन और यहाँ पे दोस्तों कोर आउट, ठीक है। बी मतलब यहाँ पे जो पुल दिया है दोस्तों वो कोर आउट है, सेट मतलब कोर इन है, ठीक है। क्लैंप का पोजीशन दोस्तों हम सेट कर लेते हैं यहाँ पे, जितना हमको पोजीशन देने का रहता है ओपनिंग का, ठीक है। ओपनिंग का दोस्तों जो पोजीशन रहता है, जैसे हमने 380 दिया हुआ है, हमको जितना रिक्वायर्ड है उतना दे देते हैं, ठीक है। दूसरा दोस्तों स्पीड कितना देना है, प्रेशर कितना देना है, तो हमने 40 स्पीड, ठीक है, इन का दिया है और आउट का 45 सेट करके रखा है। प्रेशर दोस्तों वैसे 20 और 20 दिया है, इन और आउट दोनों का, ठीक है। डिले टाइमर में कुछ भी डिले नहीं दिया है, क्योंकि दोस्तों हम इसके ऊपर लिमिट स्विच के ऊपर हम कोर को ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। और टाइमर में भी हमने 0 टाइमर सेट किया है, क्योंकि हमने इसमें लिमिट स्विच के ऊपर हम मोड चला रहे हैं, ठीक है। अनस्क्रू इसका कुछ भी मतलब नहीं रहता है दोस्तों, ज़्यादा अपना यूज नहीं रहता है। कोर पुल इन, कोर पल्स इन पुल, इसका भी कुछ ज़्यादा यूज नहीं होता है दोस्तों। कोर सेट डीप्रेशराइज, दोस्तों अभी तक इसका यूज तो हमने नहीं किया है कोर सेट डीप्रेशराइज का। कोर पुल प्रेशराइज मतलब इसका ये मतलब हुआ दोस्तों, यदि कोर डीप्रेशराइज और प्रेशराइज करने का रहता है तो ये फंक्शन ऑन कर लेते हैं, और न्यूमेटिक में करने का है दोस्तों तो ये फंक्शन ऑन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कोर सेट सीक्वेंस, कोर पुल सीक्वेंस, यहाँ पे देखिए दोस्तों कोर सेट सीक्वेंस, कोर पुल सीक्वेंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हम वैल्यू इंटर करते हैं दोस्तों, ए के जगह पे एक, यहाँ पे दोस्तों कोर जो वैल्यू है हम 00 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 00 हम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 00 हमने कर लिया, ठीक है। तो 00 का मतलब होता है दोस्तों, ए 0 का मतलब कोर ऑफ कंडीशन में है, मतलब कोई भी फंक्शन कोर का काम नहीं करेगा, ठीक है। कोर का कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा, वो बाद में हम एक एक करते हैं, ठीक है। तो एक एक का क्या सिस्टम है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। एक एक हमने कर दिया दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए एक एक हमने कर दिया, ठीक है। तो एक एक का क्या फंक्शन है, एक मतलब ए वन, ठीक है। तो सेट बिफोर क्लैंप क्लोज, और दूसरा दोस्तों बी वन में दिया है यहाँ पे कि पुल आफ्टर क्लैंप ओपन, इसका मतलब हो गया दोस्तों कि कोर सेट होगा, ठीक है, सेट बिफोर क्लैंप क्लोज, क्लैंप क्लोज होने से पहले कोर इन होगा, सेट मतलब इन होगा, और क्लैंप ओपन होने के बाद कोर आउट होगा, ठीक है। तो जब क्लैंप क्लोज होने से पहले दोस्तों कोर को इन करने का रहेगा, तो ए वन बी वन सीक्वेंस डालते हैं, वन वन डाल देते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं दोस्तों ए टू, ए टू मतलब यहाँ टू टू फंक्शन यदि डालते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों टू टू डालेंगे यदि, तो टू टू का मैं फंक्शन बताता हूँ क्या होगा कि सेट पैरेलल टू क्लैंप क्लोज बिफोर पोजिशन, यहाँ पुल पैरेलल टू क्लैंप ओपन बिफोर पोजिशन, इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि सेट पैरेलल टू क्लैंप क्लोज, दोस्तों मोल्ड क्लोज भी होता रहेगा और कोर इन भी होता रहेगा, ठीक है, ये कंडीशन में बिफोर पोजिशन, पोजिशन लेने से पहले, ठीक है। सेम वैसे ही यहाँ पे दोस्तों कि पुल पैरेलल टू क्लैंप ओपन बिफोर पोजिशन, यहाँ पे दोस्तों पुल होगा मतलब आउट होगा पोजीशन लेने से पहले, ठीक है, क्लैंप के पैरेलल हो पुल होगा मतलब आउट होगा।
तीसरा हम देखते हैं दोस्तों, सेट आफ्टर क्लैंप क्लोज बिफोर इंजेक्शन, मतलब एक कोर यहाँ पे हम यदि 3-3 यदि हम डालते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब यहाँ पे ये 3 ये वाला फंक्शन यूज करेंगे कि सेट आफ्टर क्लैंप क्लोज बिफोर इंजेक्शन, मतलब क्लैंप क्लोज हो जाएगा फिर कोर इन होगा, ठीक है, और फिर इंजेक्शन होगा, ठीक है, मतलब इंजेक्शन होने से पहले कोर को इन होना चाहिए, ठीक है। तो ये री बॉसेस बॉस जो रहते हैं दोस्तों मेजरली वहाँ पे इसको A3 का यूज करते हैं, और मेजरली इसका जो कोर रहता है दोस्तों वो फिक्स हाफ में रहता है A3 का, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं दोस्तों A3 पुल आफ्टर कूलिंग बिफोर ओपन, मतलब पुल मतलब आउट होना चाहिए दोस्तों कूलिंग होने के बाद, ओपन होने से पहले मोल्ड ओपन होने से पहले और कूलिंग होने के बाद मोल्ड को ओपन होना चाहिए। ये 4 मतलब देखते हैं दोस्तों, स्टार्ट क्लोज स्टॉप सेट फिर फुल क्लोज, ठीक है, मतलब क्या होगा दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट क्लोज, क्लोजिंग के लिए मोल्ड स्टार्ट होगा फिर क्या होगा क्लैंप क्लोज होगा इंजेक्शन से पहले, ठीक है, इंजेक्शन से पहले क्लैंप नहीं सॉरी दोस्तों ये 4 का मतलब स्टार्ट क्लोज स्टॉप, मतलब स्टार्ट होगा क्लोजिंग के लिए फिर बीच में रुकेगा, ठीक है, फिर सेट फुल क्लोज फिर कोर इन होगा, जैसे बीच में कोई फंक्शन को हमको ऑपरेट करने का दोस्तों कोर को ऑपरेट करने का है, तो यहाँ स्टार्ट क्लोजिंग क्लोज मोल्ड क्लोजिंग के लिए स्टार्ट होगा कुछ देर आएगा फिर रुकेगा, ठीक है, फिर मोल्ड कोर इन होगा फिर फुल क्लोज होगा, वैसे ही यहाँ पे है दोस्तों स्टार्ट ओपन स्टॉप ओपन होगा थोड़ा बीच के पोजिशन पर दोस्तों कोर आउट होगा फिर पूरा ओपन होगा, ठीक है। तो ये बीच वाला पोजिशन को हम जब भी ऑपरेट करते हैं तो ये 4 का सीक्वेंस लगाते हैं, यहाँ पे 4-4 लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ पे 4-4 हम लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 4-4 डालते हैं। 3-3 का हमने बता दिया, 4-4 का बता दिया, अभी 5-5 के बारे में हम बताएंगे, यहाँ पे 5-5 डाल देंगे, ठीक है, यहाँ पे 5-5 डाल देंगे। तो 5-5 का मतलब सेट पैरेलल टू क्लैंप क्लोज आफ्टर क्लैंप पोजिशन, मतलब सेट पैरेलल मतलब कोर इन होगा क्लैंप क्लोज के पैरेलल, जब मोल्ड क्लोज भी होता रहेगा, ठीक है, और क्लैंप क्लोज होता रहेगा पोजीशन लेने से पहले जो क्लैंप होता है वो क्लोज होता रहेगा, ठीक है, वैसे ही सेम उसका उल्टा है पुल आफ्टर टू क्लैंप ओपन आफ्टर क्लैंप पोजीशन, मतलब कोर आउट होगा क्लैंप पोजीशन लेने से पहले, ठीक है। छठा है दोस्तों सेट बिफोर इजेक्टर रिट्रैक्ट, मतलब इजेक्टर रिट्रैक्ट होने से पहले कोर को इन होना चाहिए, ठीक है, इजेक्टर पीछे नहीं जाएगा लेकिन कोर इन होगा, और यहाँ पे पुल आफ्टर इजेक्टर फॉरवर्ड, ठीक है, मतलब इजेक्टर फॉरवर्ड होने से पहले वो आउट होना चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने ये सीक्वेंस समझ लिया, यदि इसमें कुछ भी डाउट रहेगा दोस्तों तो आप लोग कमेंट करके वीडियो में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों, कोई भी डाउट होगा तो इसमें हमको क्वेश्चन करके कमेंट करके आप लोग क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, हम प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाएंगे दोस्तों। यहाँ पे हमारा कोर इन है यहाँ पे आउट है, हमारे मोल्ड में जो सीक्वेंस दिया गया है दोस्तों देखिए यहाँ पे लिमिट स्विच लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिमिट स्विच लगा हुआ है मोल्ड का, तो हमने आउट कर लिया, ठीक है, और बाद में ये इन कर लिया, ठीक है, हमारा लिमिट स्विच के ऊपर है, हमने आउट कर लिया इसको, ठीक है, और इन कर लिया, ठीक है, और ये हमारा मोल्ड क्लोज होने से पहले कोर इन होना चाहिए तो वो भी हो रहा है, ठीक है, ऐसा हमने सेट कर लिया है। यहाँ पे एक दोस्तों जो हमारा कोर ऑपरेट हो रहा है वो होल के लिए है, बिना होल के लिए है, तो हमने उसको देख लीजिए, कोर आउट हो गया है, कोर इन हो गया, कोर आउट हो गया, कोर इन हो गया, तो ऐसे हमने बना के रखा है, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे, यदि इसमें दोस्तों कुछ भी डाउट होगा तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर क्वेश्चन पूछिए, हम आपके क्वेश्चन को जवाब ज़रूर देंगे दोस्तों। तो थैंक यू, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे सीखे होंगे, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।